सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 2021 एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल साइट खोल लेना है। तो दोस्तों, फॉर्म भरने की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना। तो यहाँ से आप इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज यूजी एंड पीजी कोर्सेस, यहाँ पर आप एलएलबी होनर्स, बीए एलएलबी होनर्स, यहाँ पर यूजीएटी, बीए बीएससी, बीकॉम, बीएफए, बीपीए और यहाँ पर पीजीएटी, पीजीएटी फर्स्ट, पीजीएटी सेकंड, इंक्लूडिंग एलएलएम, बीएड, एमएड, एमबीए, एमबीए, आरडी इत्यादि, ये सभी कोर्स के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको UGAT यहाँ पर फिल करना है इसको। तो आप इस पर क्लिक कर देना है। आपके हिसाब से आपको जो भी कैटेगरी के लिए फॉर्म भरना है वो यहाँ से आपको चॉइस कर लेना है। उसके बाद में प्रोसीड इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 11 सितंबर 2021 है, इसकी एंड डेट है 3 अक्टूबर 2021। यहाँ पर सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ब्राउचर देखना है इसके बारे में तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करके यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है यहाँ पर आपको। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले एप्लीकेंट फुल नेम, इस बॉक्स में अपना एप्लीकेंट फुल नेम डाल देना है। यहाँ पर कंफर्म एप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पर एप्लीकेंट फादर्स नेम आ जाएगा, यहाँ पर एप्लीकेंट मदर्स नेम आ जाएगा। यहाँ से आपको नेशनलिटी इंडियन या अदर वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पर कन्फर्म ईमेल आईडी आ जाएगी। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर सक्सेसफुल कन्फर्मेशन, यहाँ पर आपका जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा वो आपको SMS द्वारा भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट, मोड इन विच यू पैन टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ से आपको क्लिक करके आप ऑनलाइन CBT बेस्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में टेस्ट सेंटर CT1, तो यहाँ से आपको अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेना है। आप कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसका प्रेफरेंस तीनों आपको दे देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालना हो तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपको अपना जेंडर ये सब देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको डोमिसाइल स्टेट, अपनी डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन से स्टेट से हो। उसके बाद में यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, आपको अगर यहाँ पर अपनी कास्ट, अपनी जाति लिख देना है। उसके बाद में आर यू एलिजिबल फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS में आते हैं आप जनरल में हो तो यस करके उसकी डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद में डिफरेंटली एबल्ड में आते हैं तो आपको यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, यहां से आप अगर हो तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में हैव यू कंप्लीट टेड NCC बी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास में NCC का बी सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स एनुअल इनकम, तो यहाँ से आपको इसमें से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है आपकी पेरेंट्स इनकम।
उसके बाद में यहाँ पर आपको माइनॉरिटी में अगर आते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में कश्मीरी माइग्रेंट, तो यहाँ से आप कश्मीर से हो तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉई आप हो तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, यहाँ से आपको अपने मेरिट स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको हॉस्टल रिक्वायर्ड, अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में इज देयर एनी पेंडिंग पुलिस केसेस, अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह है तो आप यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको करस्पोंडेंस एड्रेस, यहाँ से आप अपना करस्पोंडेंस एड्रेस डाल देना है। आपको एड्रेस लिंक वन, एड्रेस लिंक टू में यहाँ पर यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालना है। अगर आपने करस्पोंडेंस एड्रेस जो डाला है वो आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पर सेम अस इस पर टिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अलग से डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल दे देना है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना 10th क्लास का पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद में नेम ऑफ इंस्टीट्यूट बोर्ड स्कूल का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है। यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है ग्रेड या परसेंटेज में आता है, अगर परसेंटेज में आता है तो यहाँ पर आपको क्लिक करके मैक्सिमम मार्क डाल देना है। यहाँ पर मार्क ऑप्टेन कितने नंबर प्राप्त हुए वो डालना है, यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट 12th क्लास की डिटेल डाल देना है, आप अपेयरिंग है या फिर पास्ट है, तो यहाँ से आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है 12th क्लास का। उसके बाद में यहाँ पर अपनी नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या बोर्ड स्कूल का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर अपना रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज या ग्रेड में आता है आपका रिजल्ट, यहाँ पर अपना मैक्सिमम मार्क, यहाँ पर ऑप्टेंड मार्क आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको 12th इंटरमीडिएट स्ट्रीम, तो यहाँ से आपको स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है, आपका साइंस विथ मैथ था या फिर साइंस विथ बायोलॉजी था या फिर कॉमर्स या आर्ट्स या अदर, इनमें से अगर हैं तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर हैविंग वन सब्जेक्ट, यहां से आपको अपना एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, इस लिस्ट में आपका नाम आ रहा है सब्जेक्ट का, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में कोर्स अप्लाई फॉर, यहां से आप सेलेक्ट कर लेंगे अपना कोर्स, आप यहाँ पर BA, BFF, ये यहाँ से आपको जो भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो यहाँ से आपको चॉइस फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन थंब इम्प्रेशन आ जाएगा। तो जिसका कि जो साइज़ है यहाँ पर फोटो का 80 KB मैक्सिमम साइज है, 80 KB तक आप करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट सारे आपके फ़ोटो साइन सिग्नेचर ये अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों इस तरीके से अपना फ़ोटो साइन लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड कर देना है और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको आपने जो डिटेल डाली है आपका फॉर्म को एक बार प्रीव्यू देख लेना है इसका, कि आपने जो डिटेल फिल की है वो एकदम सही है ना। अगर सारी डिटेल सही है तो आपको आई एग्री इस डब्बे पर, इस बॉक्स पर टिक करके यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों पेमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करना है अपने फॉर्म की, तो आपको इस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑर्डर नंबर आ जाएगा, यहाँ पर एक्चुअल फ़ी जो कि आपका यहाँ पर शो कर देगी आपकी फॉर्म की कितनी फ़ीस लग रही है कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको अपने फॉर्म की फ़ीस जमा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पे ऑनलाइन इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको अपनी फॉर्म की क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यहाँ से जैसे आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो यहाँ पर अपना
कार्ड की जो डिटेल है वो फिल करके मेक पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना फॉर्म की पेमेंट आपको कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म की पेमेंट करेंगे तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इसका एडमिशन फॉर्म 2021 का भर सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।